नमस्कार साथियों पी के फार्मा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम आपके लिए लेके आए हैं फार्मासिस्ट के लिए मॉडल पेपर वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक like करना ना भूलें तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एन एंटीडोट यूज टू ट्रीट मॉर्फिन ओवरडोज तो मॉर्फिन ओवरडोज या मोरफिन पॉइजनिंग में हम कौन सा एंटीडोट यूज करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नैलेक् नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम यू टू ट्रीट हाइपर टेंशन तो कौन सा एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम है जिसको हम हाइपर टेंशन में यूज करते हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी लोसर्टन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज टू ट्रीट ग्लकोमा तो आप सभी को पता है ग्लूकोमा क्या होता है ये आई से रिलेटेड डिजीज है इसमें इंट्रा इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है तो इसको ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिलोकार्पिन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन तो ये ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है तो ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट से संबंधित सारे एमसीक्यू के हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी ऊपर आई बटन पर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं क्योंकि यहां पे डी एस बी एम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने ले रखे हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैश बुक यानी जो कैश सेल्स होती है उनका रिकॉर्ड हम किस में रखेंगे तो वो कैश बुक में रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दैट विल गिव द मोस्ट रैपिड ऑनसेट ऑफ द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इज तो वह कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा जिसे ड्रग का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या फिर कहे उसका ऑन साइट ऑफ एक्सर जल्दी आ जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंट्रावेनस इंजेक्शन यानी आई वी रूट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स द फॉर्म स्पेसिफाइड टू ऑपटेन ए लाइसेंस टू सेल और स्टोर द शेड्यूल सी एंड सी वन ड्रग्स बाय रिटेल्स इज तो शेड्यूल सी एंड सी वन की जो ड्रग्स है उनको स्टोर करने या सेल करने के लिए रिटेल के लिए लाइसेंस जो ऑप्टेन किया जाता है वो कौन से फॉर्म के थ्रू ऑप्टेन किया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर्म नंबर ट्वेंटी वन अब अगर बात करें सी सी वन एंड एक्स के अलावा ड्रग रिटेल के लिए और उसके लिए कौन सा फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हम फॉर्म ट्वेंटी अप्लाई करेंगे और अगर एक्स के ड्रग की बात करें तो एक्स ड्रग फॉर रिटेल के लिए तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्म अप्लाई करेंगे तो शेड्यूल एक्स की जो डेगा उसके लिए हम ट्वेंटी एफ का प्रयोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन क्लेटिन क्लियरेंस इज़ यूज एज ए मेजरमेंट ऑफ जो क्लेटिन क्लियरेंस होता है वो किसके मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक हेल्दी पर्सन के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितनी होती है या जी कितनी होती है तो वो होती है एक सौ पच्चीस एम पर मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ़ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज द सीरम लेवल ऑफ पेनेसिलिन सिग्निफिकेंटली तो ये चार ड्रग नाम दे रखे हैं इनमें से कौन सी ड्रग है जो कि पेनिसिलिन के सीरम लेवल को इंक्रीज कर देती है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए प्रोबेनासिड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन द कैपेसिटी ऑफ डाटा स्टोरेज सिस्टम ऑन ए कंप्यूटर इज डिनोटेड बाय तो जो कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज करते हैं उसकी जो कैपेसिटी होती है उसको किससे डिनोट करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेगाबाइट्स मेगा बाइट्स हो गया या बाइट्स हो गया इसमें हम उसको डिनोट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम तो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा एक डिसऑर्डर है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ट्रैकि आर्डिया आप सभी को पता है ट्रैकि आर्डिया में अपनी जो हार्ट बीट होती है वो 120 से ऊपर हो जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एलेवन द पर्सन इंचार्ज ऑफ स्टेट ड्रग लेबॉरेट्री इज तो स्टेट ड्रग्स लेबोरेटरी जो होती है उसका इंचार्ज क्या कहलाता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गवर्नमेंट एनालिस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व रेने टिडीन इज यूज प्राइमरली टू ट्रीट तो रेने को हम किस में यूज करते हैं तो ये एज टू एंटागोनिस्ट है तो इसका मेनली यूज हम किस में करेंगे तो इसका यूज करते हैं हम पेप्टिक अल्सर में तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पेप्टिक अल्सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन अंबर कलर्ड कंटेनर्स आर यूज टू पैक जो अंबर कलर के कंटेनर होते हैं वो किसकी पैकिंग में हम यूज़ करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइट सेंसिटिव ड्रग्स जो लाइट सेंसिटिव ड्रग होती हैं जो सूर्य के किरणें या फिर लाइट से कोई अलग रिएक्शन करके कुछ अलग प्रोडक्ट बन जाए या उस प्रोडक्ट का टॉक्सिक इफेक्ट आ जाए तो उस चीज को रोकने के लिए हम अंबर कलर के कंटेनर का यूज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द फर्स्ट सेवन बोन्स इन द वर्टिबल कॉलोन आर कलेक्टिवली कल्ड जो अपनी वर्टिबल कॉलन होती है उसकी स्टार्ट की जो सेवन बोन्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्विकल तो हमारे जो वर्टिबल कॉलन होती है उसमें सेवन सर्विकल होते हैं उसके बाद में कौन सी आती है वो आपको बॉक्स में कमेंट्स कर रहे हैं और वो कितनी होती है वो भी आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन सोडियम बाई सल्फ़ेट इज़ यूज इन इंजेक्शन एच तो सोडियम बाई सल्फ़ेट का हम इंजेक्शन के तौर पे यूज़ करते हैं तो किस लिए यूज़ करते हैं किस परपज से यूज करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंटी तो सोडियम मेटा बाई सल्फेट सोडियम बाई सल्फेट और सोडियम सल्फेट इसका यूज़ हम एंटी में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन कोका ओपियम एंड हेम्प कम अंडर जो कोका या कोकिन कह लो ओपियम कह लो या हेम्प ये कौन से एक्ट के अंदर आती हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डेंजरस ड्रग एक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज ए नार्कोटिक तो चार ऑप्शन दे रखे हैं हीरोइन कोडिन मॉर्फिन एंड प्रोफ्रक्सिव है तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन से नार्कोटिक के तौर पे यूज नहीं किया जाता तो आप सभी को पता है हीरोइन मॉर्फिन और कोडिन का हम यूज़ करते हैं वहीं प्रोपोक्सीफेन का हम यूज, यूज नारकोटिक के तौर पे नहीं करते तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन द मेजर मैकेनिज्म ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द ड्रग इन द जी आई टी इज तो कौन सी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है ड्रग की मेनली जिसके द्वारा जी आई टी में ड्रग का डिग्रेडेशन होता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोलाइसिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लोकल एनेस्थेटिक तो चारों ऑप्शन में से कौन सी एक ड्रग है जिसको हम लोकल एनेस्थेटिक के तौर पे यूज नहीं करते तो आप सभी को पता है प्रोकेन कोकेन और लिग्नोकेन इन चारों को हम लोकल एनेस्थेटिक के रूप में यूज करते हैं बात करें प्रोकेन की तो प्रोकेन एक क्या है एस्टर टाइप का लोकल एनेस्थेटिक है कोकेन भी एस्टर टाइप का है वहीं लिग्नोकेन की बात करें तो ये एम टाइप का है जबकि इग्नोनाइन ये क्या है ये एक प्रोपेन एल्कोलोइड है तो इसका यूज हम लोकल एनेस्थेटिक में नहीं करते तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी मल्टी डोज इंजेक्शन आर पैक्ड इन अगर एक इंजेक्शन की हम दो या दो से अधिक डोज ले रहे हैं तो उसको हम किस में पैक करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाइल्स एम्पल्स की बात करें तो एम्पल्स में हम एक ही डोज ले सकते हैं तो वाइल्स में हम मल्टीडोज पैक्ट कर सकते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी स्केल्टन मेड अप द टोटल नंबर ऑफ बोन्स तो ह्यूमन का जो स्केल्टन सिस्टम है वो कितने बोन्स का बना होता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा दो सौ बोन ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट इज तो फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम एज कितनी रखी गई है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 ईयर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम तो ट्रायल बैलेंस किससे प्रोपेट किया जाता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए लेजर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर एज इज यूज प्राइमेरली एज ए या एन तो एज ऑफ का हम यूज किस में करते हैं प्राइमरली तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इमोसिव ड्रग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर द द स्टेशनरी फेज इन थिन लेयर क्रोमोटोग्राफी इज तो थिन लेयर क्रोमोटोग्राफी टीएलसी में हम स्टेशनरी फेज के लिए क्या यूज करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिलिका जेल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स डेफिशियंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड लेस टू तो एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशियंसी से क्या हो जाएगा तो बहुत ईजी क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक एसिड को हम विटामिन सी भी कहते हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए स्कर्वी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट वाज पास इन द ईयर तो एम टी पी एक्ट भी बोल सकते हैं सेम तो ये कब पास हुआ था तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए नाइनटीन सेवेंटी वन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट द पासज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स अक्रॉस ए सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन्स ऑफ हाई ड्रग कंसनट्रेशन नॉन एज तो हाई ड्रग कंसट्रेशन से किसी ड्रग का सेल मेम्बरेन के थ्रू पास होना क्या कहलाता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए पैसिव डिफ्यूजन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन द एंटी डायबिटिक ड्रग कम अंडर सल्फनोमाइड सीरीज इज कौन सी एंटी डायबिटिक ड्रग है जो कि सल्फनोमाइड सीरीज में आती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टोलबुटामाइड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी द फोस्पो प्रोटीन फ्रॉम द फॉर्म इन द मिल्क इज तो मिल्क से कौन सा फोस्पो प्रोटीन बनता है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी केसिन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी वन द फॉलोइंग वैल्यू इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ इन ऑयल एंड फैट्स की अनसेच्युरेशन वैल्यू को कौन इंडिकेट करता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी आयोडीन वैल्यू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी टू अमोनिनेटेड ग्लिस इज़ यूज एज तो अमोनीटेड ग्लिसजिन का यूज किस तौर पे करते हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी स्वीटनिंग एजेंट तो स्वीटनिंग एजेंट के लिए हम अमोनीटेड ग्लिसजिन का यूज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री रिटेलर्स है डायरेक्ट लिंक विथ जो रिटेल होता है या रिटेलर होता है वो डायरेक्ट लिंक किस किस के साथ में रखता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी तो होलसेलर्स एंड बी कंज्यूमर्स तो होलसेलर और कंज्यूमर दोनों के बीच में रिटेलर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर आयरन प्रिपेशन द स्टूल को किसमें स्टेंड कर देती हैं या कर सकती हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी ब्लैक ब्राउन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव द कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज फॉर पर्टिकस इज तो पर्टीट्यूज के लिए कॉमनली कौन सा टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वुफिंग कप ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ तो रिफामाइसिन का यूज हम किसके ट्रीटमेंट में करते हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए ट्यूबर क्लोसिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन प्लाज्मा एक्स एक्सपेंडर इज तो प्लाज्मा एक्सपेंडर कौन सा है इनमें से डेक्स्ट्रॉन है स्टार्च है सोडियम क्लोराइड है या डेक्ट्रोज है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन ए डेक्स्ट्रॉन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी एट ड्रग्स बिलोंग टू विच शेड्यूल्स आर टू बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम ओनली तो किसी ड्रग का जेनिक नेम से जाना जाता है वो कौन से शेड्यूल में आती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी शेड्यूल डब्ल्यू शेड्यूल एच में क्या आएंगी शेड्यूल एच में आएगी ड्रग्स टू बी सोल्ड ओनली रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर एंड शेड्यूल जी में मेडिकल अंडर सुपरविजन और वहीं बात करें शेड्यूल पी की तो शेड्यूल पी में आएंगे पैकेजिंग साइज ऑफ ड्रग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन ए टेरेटोजेनिक ड्रग कॉज टॉक्सिसिटी ऑफ तो टेरेटोजेनिक ड्रग किस में प्रोड्यूस करेंगी या कॉज करेंगी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी फिटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी ए फाइव ग्रेन एस्पिरिन टैबलेट कंटेंट्स अप्रोक्सीमेटली मिलीग्राम्स ऑफ द ड्रग तो इसमें पूछा है कि फाइव ग्राम की आपके फाइव ग्रेन की आपके पास एस्पिरिन है तो वो कितनी मिलीग्राम के लगभग होगी तो आप सभी को पता है कि एक ग्रेन में सिक्सटी फाइव के लगभग मिलीग्राम होते हैं तो फाइव ग्रेन में कितनी हो जाएगी तो फाइव इंटू सिक्सटी फाइव तो ये हो जाएगी तीन सौ पच्चीस तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 325 सौ पच्चीस मिलीग्राम क्वेश्चन नंबर 41 वन एन एग्जाम्पल ऑफ सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स तो एमिनो एसिड पूछा है सल्फर कंटेनिंग कौन सा है इनमें से तो ऑप्शन ए दे रखा है सिस्टिन सेरिन लाइसिन या फिनाइल एलानिन तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सिस्टीन इसके अलावा मिथ्योनिन भी सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू क्लोरोक्विन इज ए डेरिवेटिव ऑफ तो क्लोरोक्विन एक एंटी मलेरियल ड्रग है आप सभी को पता है जो कि प्रेगनेंसी में सेफेस्ट ड्रग है तो कौन से डेरिवेटिव की क्लास कौन से क्लास की ड्रग है तो ये है फोर क्विनोल इसके अलावा अगर बात करें एट एमिनो क्विनोलिन तो एट क्विनोलिन में आती है क्विन जो कि प्रेगनेंसी में अनसेफ है इसका एक साइड इफेक्ट है वो आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है कि प्रेमाक्विन का साइड इफेक्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टी थ्री कोट्रिम ऑक्साजोल कंटेंस ट्राई एंड जो कोट्रिमोक्साजोल होता है उसमें दो चीज का कॉम्बिनेशन होता है एक तो होता है ट्राई एक होता है ट्राइमेथोप्रीम और सेकेंड कौन सी ड्रग होती है वो आपको बताना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सल्फा मेथोक्साजोल सल्फा मेथोक्साजोल एक सल्फनोमाई डेरिवेटिव है इसका कॉम्बिनेशन देते हैं ट्राई के साथ में और वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है कोट्रीमोक्साजोल अब इस कॉम्बिनेशन में कितने कितने परसेंट रेशियो लेते हैं वह आपको बता दें कि ट्राई मेथोक्स ट्राई का वन परसेंट एंड सल्फा मेथोक्साजोल हम लेते हैं फाइव परसेंट यानी वन रेशियो फाइव इसमें यूज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर ए मॉर्फिन डेरिवेटिव विच केज एडिक्शन इज तो कौन सा मॉरफिन डेरिवेटिव है जो कि एडिक्शन कोज कर देता है तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हीरोइन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर इन द लीवर इन द फॉर्म ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लीवर में स्टोर होता है जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो लीवर के अंदर वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46. सिक्स विच अमोंग द फॉलोइंग इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीजोफेनिया तो सीजोफेनिया के ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या यूज करते हैं क्लोरप्रोमाजीन क्लोरफेनिकोल क्लोरप्रोपोमाइड या क्लोरम्ब्यूसिल तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरप्रोमाजीन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी द स्पेसिफिक इंट्रैक्शन बिटवीन वारफेरिन एंड विटामिन के तो वारफेरिन और विटामिन के में क्या इंट्रैक्शन है आपस में वो आपको यहाँ पे बताना है आप सभी को पता है विटामिन के का हम यूज करते हैं कोगुलेंट के रूप में और वहीं वारफेरिन की बात करें तो वारफेरिन का यूज हम करते हैं एंटी कोगुलेंट के लिए तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गया अपोजिट मतलब एंटागोनिज्म तो इनके बीच में क्या रिलेशन है ये है इंटागोनिज एक दूसरे के तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट एन एंटी एड्स ड्रग्स इज तो एंटी एड्स ड्रग कौन सी है इनमें से वो आपको यहां पे बतानी है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इंजेक्शन गिवन स्पेस तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंट्राथिकल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी ए जेनेटिकली डिटरमाइन एबनॉर्मल ड्रग रिएक्शन इज तो एबनॉर्मल ड्रग रिएक्शन जेनेटिकली अगर डिटरमाइन होती है तो उसे क्या कहेंगे तो उसे कहेंगे आइडियोसिंक्रेसी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन बेंजिडीन टेस्ट इज यू टू डिटेक्ट इन द यूरिन तो बेंजिडिन टेस्ट करते हैं यूरिन टेस्ट के लिए तो वो क्या डिटेक्ट करता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लड अगर यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे वो करेंगे बेंजिडीन टेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू हर्टाजान इज द ब्रांड नेम ऑफ द ट्रक तो हर्टाजान एक ब्रांड नेम है वो कौन सी ट्रक का है और उसका यूज क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है तो इसका ब्रांड किसका ब्रांड नेम है वो आपको हम बता देते हैं लेकिन आपको उसका यूज बताना होगा वो आप कमेंट्स बॉक्स में कमें कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं हर्टाजॉन डाई इथाइल कार्बम का ब्रांड नेम है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डी ई सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री लाफिंग गैस इज तो बहुत इजी क्वेश्चन है आप सभी को पता होगा लाफिंग गैस किसे कहते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एन टू ओ इसे हम जनरल एनेथेटिक के रूप में भी काम में लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर स्टोरेज कंडीशन ऑफ इंसुलिन प्रिपरेशन इज तो इंसुलिन प्रिपरेशन की स्टोरेज कंडीशन कितनी है यह क्वेश्चन अभी एम्स फार्मासिस्ट में पूछा गया है तो हर एक एग्जाम में एक दूसरे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं तो आप जरूर हर एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दिया करो चाहे वो एग्जाम में आया हो या ना आया हो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टू से एट डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव प्रजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज एन इंडिकेशन फोर अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज की प्रजेंस है तो किसका इंडिकेशन देता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डायबिटीज मेलाइटिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स मोइटी प्रेजेंट इन तो पायरडीन मोइटी किसमें प्रेजेंट होती है तो so, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आइसोनियजिड अब आप सभी को पता होगा आइसोनियजिड एक के लाइन एंटी ट्यूबरकुलसिड ड्रग है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन टेम्परेरी टैक्स लेवाइड टू obtain एडिशनल रिवेन्यू इज कॉल्ड तो ये डी से संबंधित क्वेश्चन है तो डी से संबंधित हमने एक वीडियो ऑलरेडी हर एक क्वेश्चन से संबंधी वीडियो डाल रखी है तो आप उनको जरूर देख लें सौ से ज़्यादा वीडियो हमने अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे तो सभी वीडियो को आप जरूर देखें और कमेंट्स करके बताएं कि वीडियो कैसी लगती हैं क्या हमें उसमें और चीज़ अप्लाई करनी चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट द केमिकल नेम ऑफ एस्प्रीन बहुत इजी क्वेश्चन है और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एसिटाइल एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन ए फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ नियोप्लास्टिक डिजीज इज तो नियोप्लास्टिक डिजीज क्या होती है इसे हम कैंसर डिजीज भी कहते हैं तो फोलिक एसिड एंटागोनिज कौन सी ड्रग है जिसको हम यूज करते हैं कैंसर के लिए तो ये भी क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथोट्रेक्टेट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन फ्यूरान हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम इज प्रजेंट इन तो, तो यहां पे आपसे क्या पूछा गया है फ्यूरान हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम तो ये कौन सी ड्रग में प्रजेंट होगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रोफुरटाइन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन एंथ्राक्नोन डेरेवेटिव आर जनरली डिटेक्ट बाय तो आप सभी को पता है एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव ग्लाइकोसाइड होते हैं और इनको किससे डिटेक्ट करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रॉन टेगर टेस्ट के थ्रू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री द चीप एक्टिव कॉन्स्टिटुएंट ऑफ द क्लो ऑयल इज तो क्लो ऑयल का एक्टिव कॉन्स्टिटेंट कौन सा होता है वो आपसे पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यूजिन यूजीनोल से संबंधित एक क्वेश्चन एम्स हजार बीस एग्जाम जो हुआ था अभी उसमें पूछा गया था कि यूजिनोल कितना परसेंट पाया जाता है तो उसका करेक्ट आंसर था 85 फाइव परसेंट अप्रोक्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 फोर पेट्रीडीन मोइटी प्रजेंट इन तो पेट्रीडीन मोइटी किस में प्रेजेंट होती है आपसे पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी दबाउ यानी फोलिक एसिड मैथ्रोथेट एंड ट्राइमटेरिन इन सभी में पैट्रेडिन प्रेजेंट होती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सर्जिकल ड्रेसिंग आर स्टरलाइज बाय जो सर्जिकल ड्रेसिंग होती है उनको हम स्टरलाइजेशन किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं या किसके द्वारा करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हॉट एयर ओवन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स द प्रिंसिपल इन्वॉल्व द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द बॉल मिल इज तो बॉल मिल जो एक साइज रिडक्शन की प्रोसेस है उसका प्रिंसिपल पूछा गया है तो आप सभी को पता है बॉल मिल क्या करती है इंपैक्ट एंड एक्ट्रिशन तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी इसके बाद में क्वेश्चन आता है सिक्सटी सेवन लोड बाई जो फिलारेसिस डिजीज होती है वो किसके द्वारा होती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाउचेरिया वाउचे अब इस डिजीज को ट्रीट किससे करते हैं इसके लिए हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था यानी हर्टाजान जिसका ब्रांड नेम था हर्टाजन तो उससे हम फिलारिस को ट्रीट करते हैं तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट फार्मासिट्स पेसेंट टेकिन रिफाम्पिसिन दैट द ड्रग कोज तो आप सभी को पता है रिफाम्पिसिन एक एंटी टीबी ड्रग है फर्स्ट लाइन की ड्रग है तो आप फार्मासिस्ट होने के नाते अगर किसी पेशेंट को रिफाम्पिसिन दे रहे हो तो आप उसे क्या बताएंगे कि ये क्या कर सकता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑरेंज कलर इन यूरिन तो रिफाम्पिसिन का एक साइड इफेक्ट है कि आपका यूरिन स्वेट ये सब ऑरेंज कलर का हो जाएगा तो आप पेशेंट को इसके लिए बता देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन एट विच टेम्परेचर शुड प्रोकेन पेनिसिलिन जी बी स्टोर्ड तो कितने टेम्परेचर पर प्रोकेन पेनिसिलिन जी को हम स्टोर करना चाहिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टू से एट डिग्री सेल्सियस जिस टेम्परेचर पर हम इंसुलिन प्रिपरेशन को स्टोर करते हैं उसी प्रिपरेशन उसी टेम्परेचर पर हम प्रोकेन पेनिसिलिन जी को भी स्टोर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लाइफ पीरियड ऑफ द होल ह्यूमन ब्लड एट फोर डिग्री से सिक्स डिग्री सेल्सियस तो ह्यूमन ब्लड का जो लाइफ पीरियड है चार से अगर डिग्री की बात करें तो कितने दिन का होता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्वेंटी वन डेज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन टैबलेट आर प्लेस अंडर द स्किन जनरली नॉन एज तो टैबलेट की वो फॉर्म क्या है ऐसी जिसे हम जनरली स्किन के अंदर प्लेस करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इम्प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू द एनिमल यूज इन द टेस्ट फॉर ए आयरोजेनिक वाटर इज तो ए आयरोजेनिक वाटर के टेस्ट के लिए कौन सा एनिमल हम यूज करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेबिट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री ऑक्सीटोसिन इज यूज टू तो ऑक्सीटोसिन का यूज हम किसमें करेंगे ये आपको बताना है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है ये आपके लिए है बहुत ईजी क्वेश्चन है तो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर द वार्निंग टू बी सोल्ड टू रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए आर एम पी ऑनली पैटर्न टू बी विथ शेड्यूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव फिनोल मैंथोल एंड कैम्फर ये क्या फॉर्म करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूटेटिक मिक्सचर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स कंसनट्रेशन ऑफ शुगर इन द सिंपल सिरप इज तो सिंपल सिरप के अंदर शुगर की कंसनट्रेशन कितनी होनी चाहिए तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सिक्सटी सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट वेट बाई वेट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल इन ह्यूमन बॉडी इज। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होना चाहिए तो so, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एट्टी से वन ट्वेंटी एम जी परसेंटेज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 एट पटेला इज तो पटेला क्या है तो so, एक सिसमोइड बोन है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वैक्सीन गिवन फॉर एक्शन टू प्रिवेंट किसके प्रोफाइलेटिक एक्शन को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्यूबर क्लोसिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ए हेल्दी पर्सन इज तो हेल्दी पर्सन का ब्लड प्रेशर कितना होता है नॉर्मली तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वन ट्वेंटी अपॉन एम एम ऑफ एच जी नेक्स्ट पोटेशियम स्पार्किंग डायरेटिक इज तो आपको बताना है इसमें से पोटेशियम स्पार्किंग डायरेटिक कौन सा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए ट्राइम टेरिन क्वेश्चन नंबर एट्टी टू द इंक्रीज इंट्राओक्युलर प्रेशर ऑफ आई कोच तो ये क्वेश्चन हमने आपको पहले बता दिया है इसका आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्लूकोमा अगर 21 से ज्यादा हो जाता है इंट्राओकुलर प्रेशर तो आई के अंदर एक डिजीज हो जाती है जिसे क्या कहेंगे ग्लूकोमा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। थ्री ए सिंथेटिक स्वेटिंग एजेंट इज तो सिंथेटिक स्वेटिंग एजेंट के तौर पे हम किसे यूज करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सैकंड सोडियम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी फोर पैराथायरॉयड हारमोन कंट्रोल द मेटाबोलिज्म ऑफ जो पैराथायरॉयड हारमोन है वो किसके मेटाबोलिज्म को कंट्रोल करेगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी फाइव द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द होस्ट इन द होस्ट इट्स सेल्फ एज अगर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होस्ट के अंदर हो जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए एक्टिव इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स पायरोजेंस आर तो पायरोजेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं तो पायरोजेंस आप सभी को बताइए पोलिसक्राइड्स होते हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन एटी सेवन डिसप्लेसमेंट वैल्यू इज कैलकुलेटेड द प्रिपरेशन ऑफ तो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू जो होती है वो किसकी प्रिपरेशन के लिए कैलकुलेट की जाती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सपोजिट्री नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी एट विस्कस लिक्विड ऑरल प्रिपरेशन मीट फॉर द रिलीफ ऑफ कफ आर कार्ड जो विस्कस लिक्विड ऑरल प्रिपरेशन होती है जो कफ के रिलीफ के लिए बनाई जाती है उसे क्या कहेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिंकटस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी नाइन ए वाटर बॉर्न डिजीज इज चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से वाटर बॉर्न डिजीज कौन सी है वो आपको बतानी है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम्यूबियोसिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन एन इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ स्टेप्टोमाइसिन इज आप सभी को पता है स्टेप्टोमाइसिन एक, एक एंटीबायोटिक है एमिनग्लाइगोसाइड डेरिविटिव तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑटोटॉक्सिसिटी यानी जो स्टेप्टोमाइसिन है ये हमारी कान की एठ नर्व बोल दे जिसे उसको डैमेज कर देती है तो इसमें हमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है ऑटोटॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन यूनिवर्सल एंटीडोट कंटेंट तो यूनिवर्सल एंटीडोट के लिए कौन सा कंटेंट हम यूज़ करते हैं वो आपसे पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्टिवेटेड चार को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटी टू ड्यूराबिलिटी ऑफ ए टेबलेट टू बी कंबाइंड इफेक्ट ऑफ शॉक एंड एब्रेशन इज इव्यूटेड बाई तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए फेब्रिलेटर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ब्लड ग्रुप ओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर प्लेटलेट्स आर अदरवाइज नॉन एज तो प्लेटलेट्स को हम और किस नाम से जानते हैं वो पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थ्रोम्बोसाइड्स थोड़े इजी क्वेश्चन है अभी तो एग्जाम में हर एक तरीके के क्वेश्चन आते हैं इजी भी आते हैं तो थोड़े टफ भी क्वेश्चन आते हैं तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो और क्वेश्चन बहुत है अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके के पैटर्न के और क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्टी फाइव पर्पज ऑफ ए कम्बाइंड ड्रग रिग्माइन इन टूबरक्लोसिस इज तो क्या परपज रहता है टूबरक्लोसिस में कम्बाइंड ड्रग देने का तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवॉइड ड्रग रेजिस्टेंस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स कोज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट हाइड्रोक्लोरथाइज जिसे हम डायबिटिक के तौर पर यूज करते हैं तो इनमें से क्या प्रोड्यूस कर सकता है किसी एक को छोड़कर तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइपो यूरिकेमिया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन नेफ्रॉन इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ ये क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किडनी एलिसा टेस्ट इज यूज फॉर स्कैनिंग ऑफ तो एल्सर टेस्ट हम किसके लिए करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एड्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटी नाइन पेस मेकर ऑफ हार्ट इज तो हार्ट का पेस मेकर किसे कहा जाता है या क्या है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एसे नोड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हंड्रेड मेल फंक्शन ऑफ द ऑफ विच एंडोक्राइन ग्लैंड कोच एक्रोमेगली एंड गिगान्टिज तो कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड का कारण है एक्रोमेगली एंड गिगान्टिज तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिट ग्लैंड तो ये हमारे मॉडल पेपर के सौ क्वेश्चन थे वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत है आपको किसी क्वेश्चन में तो डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम लिंक दे रखा है वहां हमें ज्वाइन करके आप अपनी क्यूरी कर सकते हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत राम राम सा